नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गुना में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपाइयों का जोश हाई है। पीएम के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर, चंबल के मुरैना और गुना में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, ये हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी के आने से नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही बीजेपी की सरकार भी बनेगी। जबकि छत्तीसगढ़ में हो रहे मतदान को लेकर तोमर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पर सरकार बनाने वाले हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में दो स्थानों पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और मोदी जी आएंगे, नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, नई आशा का संचार होगा और नए प्रकार की चुनाव में लहर बनेगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में सुनिश्चितता प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमारी कार्य पद्धति के अनुसार कार्यकर्ता और नेता सब काम में लगे हुए। हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश में भी बनाएंगे, राजस्थान में भी बनाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, जबकि सोमवार को कमलनाथ ने जुगना देर विधानसभा में तामिया चावल पानी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का भव्य स्वागत किया। इस दौरान गोंडवाना और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता। वही इस सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में अपना ढेरा डाल चुके हैं। लगातार चुनावी प्रचार और आम सभाएं की जा रही है, साथ ही अलग अलग विधानसभाओं में उतरे प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने और सरकार बनाने का दम भी भरा जा रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और भोजपुरी सुपरस्टार सांसद रवि किशन अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां रवि किशन अनूपपुर जिले की दो विधानसभाओं में आयोजित आम जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान दोनों ही अनूपपुर और कोतमा विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने अनूपपुर के बालूमाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए भोजपुरी अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने जिंदगी झंड बा कांग्रेस का फिर भी घमंड बा के डायलॉग के साथ सभा में सांसद रवि किशन ने एंट्री मारी। कांग्रेस की जिंदगी झंड बात की घमंड, डेढ़ साल में इतना घोटाला भाई लूट के खा गए। घोटाला गिनवाए भी तो पूरा है ना, पाल कपारे से गिर जाएगा आप लोग। इतने बड़े चोर हैं ये लुटेरे लोग, का कहें। उस पर हम आते हैं, आप लोगों को इन लुटेरों की कहानी बताते हैं। कांग्रेसी लुटेरे, इन लुटेरों को जानो, ये फिर लुटने आए हैं। ये कांग्रेसी डाकू, ये डकैत हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर के लिए जनसमर्थन और वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने जनता से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भीतरवार मेरे बचपन की यादों का बहुमूल्य हिस्सा है। जब अपनी माताजी के साथ मैं अक्सर यहां आया करता था, इसलिए इस जगह से एक अलग सा जुड़ाव महसूस करता हूं। आज मैं फिर आया हूं। कांग्रेस के जमाने में भीतरवार के साथ जो भीतरघात हुआ था, उसे भाजपा ने अब इतिहास बना दिया है। हमें इस विकास की कड़ी को भी आगे जारी रखना है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में पहले आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही थी। जहां एक तरफ बीजेपी ने भिंड की महगांव विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली निकाली, तो वहीं कांग्रेस ने इसी विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली निकाली है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी महगांव विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दी, जहां अमायन मेहर गांव में आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क चल रहा है, जहां आपके प्रत्याशी सतेंद्र भदौरिया लवली लगातार जनसभाएं कर रहे हैं।
खबर ग्वालियर से है, जहां एक पुलिस अफसर हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। दरअसल पूरा मामला ग्वालियर के हजीरा थाना का है, जहां सोशल मीडिया पर एक युवती से दोस्ती के बाद वो बातचीत करने लगे। सोशल मीडिया पर दोस्त बनी महिला ने बातों बातों में थाना प्रभारी की आपत्तिजनक वीडियो बना ली और ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए तक ऐंठ लिए, और रुपए नहीं देने पर महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए और मांगे, जिसके बाद थाना प्रभारी ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वही पुलिस ने महिला और उसके दो साथियों को हिरासत में लिया है और उनसे 2.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं, तो वही हजीरा थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की गई है। प्रभारी द्वारा बताया गया था कि एक महिला ने उसके साथ में फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसका जो बातचीत हुई उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया और 5 लाख रुपए ले लिया। उसके बाद और पैसे मांगने के लिए भी दबाव बना रही थी लगातार, जिस पर रिकरण पंजीबद्ध किया, 2.5 लाख रुपए मिले हैं और ये 3 लोग आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें जो महिला है उसने पूछताछ में बताया कि इसको भी इसके साथ में 2 तारीख को थाना प्रभारी द्वारा अपनी गाड़ी से ले जाकर बलात्कार किया। अभी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना में दी। अब खबर ग्वालियर से है, जहां आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आईटी की छापेमारी फालका बाजार में हुई। टीम ने यहां स्थित सोम स्टीलरी के मालिक और उसके पार्टनर्स के आवास पर छापेमारी की है। टीम को जानकारी मिली थी कि सोम डिस्टिलरी के मालिक ने संपत्ति और टैक्स में कुछ बड़ी हेराफेरी की थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की। इसके अलावा 30 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड लगातार जारी है। इनमें जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रायसेन के अलावा कई अन्य ठिकाने शामिल हैं। ग्वालियर के बहुचर्चित लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग के करोड़ों रुपए के फर्जी बिल तैयार करने के मामले में कार्यपालन यंत्री संजय सिंह सोलंकी, रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री राम नरेश करहिया, क्लर्क अशोक कचोरिया और ठेकेदार राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में ठेकेदार राहुल वर्मा के खाते में 5 करोड़ रुपए भेजे गए थे, जबकि राहुल वर्मा पीएचई में पदस्थ अधिकारियों को वाहन उपलब्ध करवाता था। इसके खाते में एक मुश्त में 5 करोड़ की राशि किस तरह पहुंची, इसकी क्राइम ब्रांच पुलिस जाँच कर रही है। एक लिपिक है और एक प्रेजेंट में जो डीडीओ है, और पूछताछ करने पर जो तथ्य सामने आया उसमें ये सभी लोग घोटाला करके उक्त राशि को एक नंबर में करने के लिए ठेकेदार के माध्यम से करते थे। तो ठेकेदार का भी अकाउंट चेक करा, उसमें उनके द्वारा ट्रांजेक्शन करीब 4-5 करोड़ रुपए का होना पाया गया। ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया। आज सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रदेश में बहुत जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के मकसद से रैली पुलिस शहर के प्रमुख मार्गों से रोज शाम के समय फ्लैग मार्च कर रही है, जिसमें पुलिस बल के साथ बीएसएफ के जवान भी शामिल होते हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी चेक पोस्ट पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र में आचार संहिता लगी है और चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए रैली पुलिस और हमें जिला मुख्यालय से प्राप्त विशेष सशस्त्र बल, इनकी मदद से लगातार एसएसटी, एफएसटी और जो हमारे अंतर जिला नाका है वहां पर चेकिंग की जा रही है। पूरी कोशिश है कि कोई भी ऐसा अराजक तत्व या ऐसी वस्तु जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है, हम अपने क्षेत्र में उसका प्रवेश ना होने दें, लोगों में भयमुक्त माहौल बना रहे और निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक किसान परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। दरअसल किसान बहादुर अहिरवार की 5 एकड़ जमीन पर उनके ही पड़ोसी ने 5 साल पहले कब्जा कर लिया था। पीड़ित किसान ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पीड़ित किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वापस पीड़ित को कब्जा दिलाने के आदेश दिए, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी किसान को उसका हक और जमीन तक नहीं मिल सका है। इस मामले में जैसी नगर तहसीलदार अनिल कुमार कुशवाहा से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है। यह मामला बिलहरा टप्पा तहसील से संबंधित है और नायब तहसीलदार चुनावी कार्य में व्यस्त है, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं पूरे मामले में विधिवत कार्रवाई करते हुए किसान को कब्जा दिलाया जाएगा। सर ये है कि हमारी नपती हो गई, मौका पे
आरआई पटवारी और पूरे गांव गांव उनके दस्तखत हैं सर, हम नपती होकर पत्थरा गड़ गए सर, हम कब्जा नहीं कर पा रहा है, वहाँ जाते हैं तो कतरना कुलारी भुआता है सर, हम मरवे के लिए डरते हैं, हमारे भाई को दिखता नहीं है तो सर इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाते, भी 6-7 लोग हैं सर। सरकारी सो उन्हें पैसा भर दिए, सो चौकी वालों ने हम हमारे बड़े भाई को इनको अंधे को पकड़ के ले गया और सर हमको बंद किया। बहादुर बहादुर हाँ। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि आपको आँखों से नहीं दिखता? हाँ, नहीं दिखता सर। अच्छा जन्म से ही नहीं दिखता? नहीं नहीं। क्या मामला, आज यहाँ तहसील क्यों आए हो? जो हमारी खेती के खेती का क्या है उसका? उस पे सामने वाला कब्जा कर रहे हैं हम। कौन कौन? सेवक सेवक सेवक। कितने सालों से किए? 5 साल होगा। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? करी है, कब्जा नहीं दी, कोई नहीं सेवक। एक ही थाने माने में रिपोर्ट करी आपने? हाँ। थाने गए थी? हाँ। थाने वालों ने क्या बोला? कुछ नहीं, हम ही और हूँ, पकड़ ली। हाँ, आज वो एक किसान आया था मेरे पास, ये बिलेरा टप्पे से संबंधित प्रकरण है, अब उसकी जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है। मैंने आश्वासन दिया है कि जैसे चुनाव समाप्त होगा उसको विधिवत पूरी कार्रवाई की जाएगी, और कब्जा अगर उसके पक्ष में हुआ तो कब्जा दिलाया जाएगा। हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है, उसके अगर उसकी भूमि है तो उसको कब्जा मिलना चाहिए। अभी चूंकि हम सभी वो नायब साहब भी जो हैं वो चुनाव में व्यस्त हैं, हम बिल्कुल चुनाव बाद इस पर कार्रवाई करें। खबर ग्वालियर से है, जहां सिटी सेंटर इलाके के पॉश टाउनशिप में भू माफियाओं का प्लॉट लेने वालों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां बिना किसी मालिकाना हक के अपने पार्टनर से 1000 स्टैंप पर एग्रीमेंट करवाकर 60 से 70 प्लॉट खरीदारों को बेच दिए गए। अब इस मामले पर कोर्ट में संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी के शिकार हुए नवीन शिवहरे को स्टे ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन इन सबके बीच 70 से 80 लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं, उनके करोड़ों की रकम फंस गई है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार कार्यालय और जिम्मेदार अधिकारियों के मिलेभगत से लगभग 60 से 70 लोगों के साथ ये धोखाधड़ी का मामला हुआ है, जहां प्लॉट देने के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल दिया गया है। दरअसल कॉस्मो आनंदा टाउनशिप के संचालक अरविंद अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल समेत विभिन्न पार्टनर्स ने शासन प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जिले की सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। कॉस्मो आनंदा टाउनशिप के अंतर्गत आती है ये ज़मीन, और ये जो अरविंद अग्रवाल जयदीप अग्रवाल हैं, इन्होंने खुद की ओनरशिप इनके पास अभी तक नहीं आई है और इन्होंने दूसरे लोगों को रजिस्ट्री कर दिया है, जिसके लिए मैंने TNCP कलेक्ट्रेट और तहसीलदार महोदय सबको और रजिस्ट्रार कार्यालय सबको शिकायतें की हुई हैं दो साल से। TNCP से भी स्टे मिला हुआ है और मैंने कोर्ट में भी बात लगाया था, जिसमें मुझे कोर्ट ने मेरा अधिपति भी माना है और मुझे स्टे दिए। लगभग कितने की जमीन है, कितने रुपए मूल्य की जमीन इसमें है और कितने लोगों को इसमें ठगा गया है? इसमें गवर्नमेंट की स्टाम्प की ड्यूटी की चोरी हुई है, क्योंकि जब इन्हीं को ओनरशिप राइट नहीं आया तो दूसरों को ये ओनर मालिक कैसे बना सकते हैं, इसी ब्याह पे मुझे यहाँ पे मेरा इनको स्टे दिया गया मुझको। कितने की जमीन है और कितनी जमीन है और इसमें कितने लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं? इसमें लगभग 60-70 लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं, और जो कि उनके साथ प्योर धोखा हुआ है। जब यही ओनर नहीं है अरविंद अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल और आदि लोग भी, तो ये दूसरों को कैसे मालिक बना सकते हैं? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।